मित्रों, आज मैं आपके सामने हमारा जो एपिसोड पहला था कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, और वो जो पैसेज जो मैंने लिया था इसके बारे में, वो था पहला इतिहास, उसका 16वां अध्याय। हमने 23-24 पद तक तो देख लिया, उसके बाद आगे और आज हम देखेंगे। तो ये दूसरा एपिसोड है परमेश्वर की महिमा के लिए, कि हम कैसे उसकी आराधना करें। ये एपिसोड नंबर 2 या पार्ट नंबर 2 है। आइए, मैंने पिछले एपिसोड में ये बात कही थी कि किस प्रकार परमेश्वर ने आपकी और हमारी रचना की, सृष्टि की, पृथ्वी की सृष्टि की, हर चीज़ों की सृष्टि की, और पूरे सृष्टि का यही मतलब है कि पूरी सृष्टि उसकी महिमा करे। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, यदि आप प्रभु को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसको वचन को मानते हैं, तो हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि हम उसकी आराधना, स्तुति, महिमा कर सके। और इसी के बारे में पहला इतिहास 16 बताता है कि किस प्रकार से दाऊद अपने जो लीडर थे उनको कहा कि इस प्रकार से तुम परमेश्वर की महिमा करते रहो। आइए हम आगे बढ़ेंगे। 25वां पद, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और 25वां पद। क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। भय योग्य का मतलब यहां पर है डरने वाला भय नहीं मेरे दोस्तों। कभी अंधकार में ना हम कोई चीज देख लेते हैं या कोई व्यक्ति देख लेते तो डर लगता है, वो वाला भय नहीं, भया वो भयंकर भय जैसे नहीं, ये आदर वाला भय है। जैसे कि अगर हमारे शहर में, हमारे समाज में और मेरे घर में अगर हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो हमें एक प्रकार का आदर वाला भय होगा। है क्या होगा? आदर वाला भय है, डर के भागने वाला नहीं, आदर वाला भय कि अरे बाप रे, हमारे मेरे घर में तो हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आए हैं, तो एक प्रकार का आदर होता। उसी प्रकार का भय मेरे दोस्तों हमें परमेश्वर के प्रति रखना है। क्यों? क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का भय बुद्धिमान की शुरुआत है। सुना आपने? परमेश्वर का भय बुद्धिमान की शुरुआत है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। सो यहोवा महान है और स्तुति के योग्य है। और कोई ईश्वर परमेश्वर और कोई नहीं है, हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम उसकी आराधना करना है, और कोई नहीं है, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है, जीवित और भय योग्य परमेश्वर है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। 26वां पद, क्योंकि देश देश के सब देवता क्या है? मूर्तियां हैं, परंतु यहोवा ने स्वर्ग को बनाया। अब आप मुझे बताइए, जो मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तियां बनाने वाला बड़ा होता है या मूर्तियां बड़ी होती हैं? आप ही बताइए। आप जरूर इसका उत्तर देंगे, भाई जो बनाने वाला है मूर्तियों का वही बड़ा होगा, क्योंकि उसी ने तो मूर्तियों को बनाया। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, हमारे यहोवा ने स्वर्ग को बनाया। हालेलुया। हैं? स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, तारागण, आकाश मंडल यहोवा की स्तुति और महिमा का वर्णन कर रहा है। द हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आइए हम उसकी आराधना अपने हाथों को उठा करके उसके ऐश्वर्य को, उसके वैभव को जाने, अपनी आंखों को आकाश की ओर उठाएं और कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू महान है, स्तुति के योग्य है, सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। 26वां पद, क्योंकि देश देश के सब देवता क्या है? मूर्तियां हैं, परंतु यहोवा ने स्वर्ग को बनाया। 27 पद, उसके चारों ओर वैभव ही वैभव, ऐश्वर ही ऐश्वर है, उसके स्थान में आनंद और सामर्थ है। क्या आप ऐसे परमेश्वर की स्तुति नहीं करना मांगेंगे? बिल्कुल करना मांगेंगे, है ना। जिस परमेश्वर ने आपकी और मेरी रचना की,
और फिर उसके बाद हमारे हमारे पापों को क्षमा किया और हमें एक नया मनुष्य बनाया, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है, नया मनुष्य है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में रहता है जिसने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है। सो मेरे दोस्तों, उसके वैभव को, उसके ऐश्वर्य को, उसकी उसकी सामर्थ को, उसके आनंद को हम जान सके और बड़े आनंद के साथ हम उसकी आराधना करें। 28 पद में क्या लिखा हुआ है, पहला इतिहास 16 अध्याय 28 पद, हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को जानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जैसे उसके नाम के, जो उसके नाम के योग्य हैं, भेंट लेकर उसके सामने आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। कितनी अच्छी बात लिखी है, हमारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है, लिखा हुआ है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पुराने नियम में भी लिखा हुआ है, नए नियम में भी लिखा हुआ है। तो हम अपने मन को पवित्र करके, अपने मन में पवित्र आत्मा को धारण किए हुए उसकी महिमा करें, किस क्योंकि वो इसके योग्य है, क्योंकि यही तो बात लिखी है ना, हे कुलों, देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को जानो, मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य हैं, भेंट लाओ। किस प्रकार की भेंट ला सकते हैं, अपनी भेंट, धन्यवाद की भेंट ला सकते हैं, पैसों की भेंट ला सकते हैं, दूसरों को सहायता करने के द्वारा वो भेंट, वो भी परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य है। अपने पूरे व्यक्तित्व को, पूरे अपने व्यक्तित्व को प्रभु के सामने लाओ, सबसे बड़ी भेंट तो यही है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक चर्च में, कलीसिया में प्लेट होता है ना, जो प्लेट, तो प्लेट पास कर रहे थे ताकि लोग उसमें दान डालें, कोई 10 रुपया, तो कोई 20 रुपया, कोई 100 रुपया और कोई 500 रुपया, जैसी जिसकी इच्छा थी, मर्जी थी, वैसे दे दिया। तो एक लड़की जो थी करीब 12 साल की, उसने बोला, अंकल आप प्लेट को नीचे रख दीजिए। अच्छा जी। जब उसने प्लेट को नीचे रख दिया तो वो लड़की उस पर खड़ी होकर उसने कहा, मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ। आह, यह साहब, भेंट लेकर उसके सामने आओ, अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द कर दीजिए, पवित्रता से शोभायमान हो करके यहोवा का दंडवत करो, भय, क्योंकि परमेश्वर भय योग्य, आदर वाला भय। 30वां पद, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके ना उसके सामने थर थराओ, जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। थर थराओ का मतलब क्या है, थर थराओ का मतलब ये नहीं है कि डर से कांपने लगे, वो मतलब नहीं है, ये वही थरथराने का यहाँ पर मतलब है मेरे दोस्तों, कि इतना आदर हम परमेश्वर को दे कि हम शायद उसके सामने अपने सिर को उठा ना सकें। याद है गॉस्पल में, सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, 2 लोग प्रार्थना करने गए मंदिर में, जो फैरिसी था वो तो सीधा अंदर जा करके अपने अपनी सारी बखान कर दिया, मैं ये करता हूँ और ये करता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था, जो फरीसी नहीं था, सामरी था, वो बेचारा इतना भी, उसको भय लगा कि मैं कैसे परमेश्वर के भवन में अंदर जाऊँ, मैं तो इस योग्य हूँ भी नहीं। उसने बार ही से सिर झुकाकर कहा, प्रभु मुझ पर दया करना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, किसकी प्रार्थना सुनी गई, फरीसी की? नहीं, वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ, इस इतना भी अपने आप को नहीं समझा कि शायद अंदर जाऊं, क्योंकि मैं इतना पवित्र व्यक्ति हूं, मैं कैसे जाऊंगा परमेश्वर के सामने।
यीशु मसीह ने कहा उसकी प्रार्थना सुनी, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने ढाल दिया, थरथरा गया वो परमेश्वर के सामने। जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने का नहीं मेरे दोस्तों, है ना? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में है। 31 पद, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो और जाति जाति में लोग कहें कि यहोवा राजा हुआ। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर का परमेश्वर है। उसका नाम का, उसके नाम का क्या हो? धन्यवाद हो। आकाश आनंद करे। आकाश आनंद कैसे करेगा? अरे साहब, सूरज जो है वो प्रभु में आनंदित है, बड़े चुपचाप से, उसकी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, बस उसका प्रकाश और हीट हमारे सामने आता है। आकाश में कितने नक्षत्र हैं, कितने तारे हैं, कितने मिल्की वे हैं, हैं? लाखों करोड़ों, उनका प्रेजेंस ही, उनकी उपस्थिति ही परमेश्वर की महिमा है। इसीलिए लिखा हुआ है आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो। पृथ्वी में क्या है? अरे साहब, आप और मैं, पेड़ पौधे, जानवर, हर चीज उसको क्या करे? धन्यवाद कहें, महिमा करें। समुद्र गरज उठे, जो परमेश्वर ने बनाया। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो और जाति जाति में लोग कहें यहोवा राजा हुआ। 32वां पद, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और उसमें जो कुछ है प्रफुल्लित हो। आय हाय हाय, क्या बात है! मुझे तो पढ़ करके ही मजा आ रहा है, आशा है कि आपको सुनने में मजा आ रहा होगा। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, यहोवा का जय जयकार है। मैदान, उसमें जो कुछ है, आपने देखा होगा मैदान में कैसे लोग जाते हैं, जानवर, हिरणी उछलते हुए, बकरियां उछलते हुए इधर उधर घूमती है, मुर्गियां, पशु पक्षी, चिड़िया चुं 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 करते हुए जाते। ये क्या है? ये सब परमेश्वर की महिमा करते हैं मेरे दोस्तों। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे चारों तरफ बाहर चिड़िया चुई चुई कर रही हैं। क्या कर रही हैं? आराधना, स्तुति, महिमा। तो क्या हम उनके साथ नहीं करें? पहला इतिहास उसका 16 अध्याय इसी के बारे में बताता है। फिर 33 पद में क्या लिखा है? उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। मैं आपके लिए कुछ पदों को और पढ़ूंगा, वो है भजन संहिता 150। भजन संहिता 150 वो स्तुति के बारे में ही है मेरे ख्याल में, है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 149 विल बी, वो थोड़ा सा और बेटर होगा, 149 है। यहाँ लिखा हुआ है, इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो, नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें, डफ और वीणा बजाते हुए उसके भजन करें ना, और नम लोगों का उद्धार करके उन्हें वो शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित होंगे और अपने बिछौने पर पड़े पड़े जय जयकार करेंगे। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा होगी, उनके हाथों में दोधारी तलवार रहेंगे। वो क्या है? दोधारी तलवार परमेश्वर का वचन। जो कुछ भी है परमेश्वर की, हम स्तुति करें। यह की स्तुति करो, 148 भजन संहिता, यहोवा की स्तुति करो, उसके सब दूत उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे ज्योति मय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सब ऊंचे आकाश, अरे और आकाश के ऊपर वाले जल, तुम यहोवा की स्तुति करो, है ना? कई बातें हैं, पृथ्वी में जो कुछ है उसकी स्तुति करो, मगरमच्छ उसकी स्तुति करो, हे अग्नि और ओलो उसकी स्तुति करो, हे पहाड़ों और सब टीलो, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन के पशुओं और घरेलू पशुओं, यहोवा की स्तुति करो। हाँ, यही तो बात लिखी हुई है मेरे दोस्तों।
और कहने का मतलब ये है कि हम और भी कई चीज़ें, हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें पृथ्वी के साथ, पृथ्वी में जो भी चीज़ें हैं उसके साथ हम परमेश्वर की स्तुति करें। आइए और हम आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, 33 पद। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, जब हवा चलती है जोर से तो पत्ते को क्या छ छ छ छ छ करके आवाज करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं साहब, ताली बजा रहे हैं, यहोवा की स्तुति कर रहे हैं। 34 पद, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और यह कहो कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर, हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे नाम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई करते रहें। मेरे दोस्तों, जितना समय हमारे पास जीवन परमेश्वर देता है, हम उसकी बढ़ाई करें। आँख खोल करके, आँख बंद करके, हाथ उठा करके, बिछौने पर, वही अभी मैंने आपके सामने पढ़ा भजन संहिता 148 है ना, तो हम उसकी स्तुति और महिमा करें। 36 पद, अनादि काल से अनंत काल तक इसराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये मेरा दूसरा जो एपिसोड है, इस बात को कंक्लूड करना मांगता है कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, है ना। और इस प्रकार से जो पद मैंने आपके सामने पढ़ा, ये बताता है कि सब पृथ्वी के लोग, सब पृथ्वी की सृष्टि, सब आकाश में जो ऊपर नीचे सब जगह जो पाया जाता है, उस यहोवा परमेश्वर की स्तुति करे जिसने स्वर्ग को बनाया, आपको बनाया, मुझको बनाया। और सबसे बड़ी बात कि हम नए मनुष्य हो गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उसका आत्मा हमारे जीवन में रहता है। लिखा हुआ, मैं उसमें बसूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जा रहा हूं स्वर्ग में ताकि मैं तुम्हारे लिए कंफर्टर भेजूं, वो सहायक जो तुम्हें अगुवाई करेगा, मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा, परमेश्वर के बारे में बताएगा। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। तो त्रि एक परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं मेरे दोस्तों, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। हम इनकी आराधना और स्तुति मुँह के द्वारा, जीवन के द्वारा, हर चीज से हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि पूरे मानव जाति का यही कर्तव्य है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो प्रभु को महिमा और उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें, है ना। परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की आशीष दिया है, भोजन दिया है, खाना दिया है, कपड़े दिए हैं, और रहने के लिए घर दिया है। शायद अपना घर हो ना हो, लेकिन कम से कम हमारे घर के ऊपर छत तो है। हम बरसात में इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, हमारे इधर उधर जाने के लिए गाड़ियां हैं, अगर बसेस हैं, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे दोस्तों। और अगर उसने जो आशीष, जिसकी बात मैंने किया, बहुतायत से भी न दिया हो, उसने हमें जीवन दिया है, तो क्या हम उसकी स्तुति नहीं करें? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, आराधना करना है, है ना। तो यही बात हम आपके सामने देखते हैं। मैं आपके लिए फिर से इसको पढ़ूंगा ताकि आप एक कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में उसका ध्यान दे सकें। पांचवा पद से लेकर के छठवां पद, सातवां पद, तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। ये मैं पढ़ रहा हूँ पहला इतिहास 16:7 से।
यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इसराइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही तुम्हारा और हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं, उसकी वाचा को सदन स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने हजार पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है, वह वचन वह वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया कि मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह बाट मैं तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, परंतु बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते तो रहते थे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। 23वां पद, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है, भेंट लेकर उसके सामने आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर उस यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ, जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें कि यहोवा राजा हुआ है, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, मैदान और जो कुछ उसमें है प्रफुल्लित हो। उस समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, और यह कहो कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें, तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई करें। और आखिरी पद, अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब सब प्रजा के लोगों ने कहा आमीन और यहोवा की स्तुति की। मेरे दोस्तों, आशा है कि ये दूसरा भाग आपके लिए आशीष का कारण, चुनौती का कारण हो, कि हम सब परमेश्वर यहोवा जीवते परमेश्वर की स्तुति महिमा करें और उसी के लिए हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। फिर परमेश्वर आपको और हमको और भी आशीषित करेगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। धन्यवाद।